वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं विष्णु वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें हमने दो अध्याय कंप्लीट कर लिया है परिचय के साथ। पहले हमने परिचय देखा, फिर हमने 12वां अध्याय से शुरू किया है। भक्ति योग सबसे अच्छा, सुंदर, छोटा सा स्वीट चैप्टर है ये, सिंपल भी है। और फिर हमने दूसरा अध्याय, ये सेकंड जो है 14वां अध्याय, गुण त्रय विभाग योग पढ़ा भक्ति योग के बारे में। आज हम लोग 17वां अध्याय अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम देखेंगे आगे, ठीक है। हम आगे फिर हम वापस पीछे आएंगे, पहले 12, फिर 14, फिर 17, 16 और फिर वापस पीछे आके लास्ट में 18वां अध्याय पढ़ेंगे, सबसे अंतिम में मोक्ष संन्यास हो। तो हम जैसा कुछ लोगों को थोड़ी सी समझ में दिक्कत आ रही थी, तो आज मैंने सोचा है कि फिर से इसको रिवाइज करा दूं मैं आपको, बड़ा आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना। ओके लावे जी, जैसा आप कह रहे थे, सबकी आशा थी कि सर बड़ा कठिन हो रहा है, कैसे किस तरह से समझाया जाए चीजों को, यस मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हिंदी में। आप कहानी के रूप में उसको समझिए, स्क्रीन प्रेजेंट करने की आवश्यकता है नहीं ना। आवाज क्लियर है एकदम, वॉइस सर, नॉइस तो नहीं है, क्लियर यस सर, हाँ हाँ क्लियर। है ना। ठीक है, तो वापस हम रिकैप कर रहे हैं जो हमने पढ़ा भगवत गीता परिचय, तो उसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आज हम 12वां अध्याय फिर से आपको समझा दे रहे हैं भक्ति योग। देखिए क्या है भक्ति योग में, अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, बड़ा कहानी की तरह समझो, नहीं समझ में आया ना इसको बार बार रिकॉर्डिंग सुनना, दो तीन बार रिकॉर्डिंग सुनना कि सर ने क्या बोला है, बस याद हो जाएगा। वो सुनाओ, किसी और को सुनाओ, इजी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 12वां अध्याय में सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, पूछते हैं क्या कि जो आपके उपासक हैं, आप जो दो प्रकार की उन्होंने बताए भक्त के बारे में, सगुण सकार की उपासक और निर्गुण सकार की उपासक, उन दोनों में सबसे प्रिय कौन है, ये पूछा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, जो मुझे सकार रूप में, सगुण रूप में मुझे उपासते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, वो भी मुझे प्रिय है, ठीक है। सगुण वाले तो प्रिय हैं क्योंकि वह इजी है, सगुण जो है सकार रूप की उपासना करना बड़ा आसान है, कोई चीज को तुरंत हम ध्यान कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। लेकिन जो निर्गुण निराकार की उपासना है इतना आसान नहीं है, तो मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, वो भी मुझे उतने ही प्रिय हैं, ठीक है। अब उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि बताते हैं कि निराकार प्रभु के 8 लक्षण मैंने बताया था, ये याद रख लेना, इंपोर्टेंट है ये। जो निर्गुण निराकार स्वरूप है भगवान का, उसके लक्षण बता दिया, अक्षरम, दूसरे तीसरा और चौथा में श्लोक में, अनिर्देशयम, अव्यक्तम, सर्वत्र अचिंत्यम, कुटस्थ, अचलम और ध्रुवम, ये 8 जो है लक्षण बोला है, ठीक है। इसको डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, रिकॉर्डिंग सुन लेना क्या होता है। अक्षरम, चलो ठीक है बता देता, अक्षरम मतलब जो घटता बढ़ता नहीं, अनिर्देशयम जिसको जिसकी ओर इशारा न किया जा सके, अव्यक्तम जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, सर्वत्र जो सारे जगह व्याप्त हो,
अचिंत्यम, जिसका चिंतन न हो सके, कुटस्थ, जो एक जगह स्थिर हो, लोहार का एग्जाम्पल दिया था मैं, अचंचलम, जो स्थिर है, चंचल नहीं है, ध्रुवम, जो निश्चित है, हमेशा एक जगह विद्यमान रहता है, ये 8 लक्षण निराकार प्रभु के उन्होंने बताया। फिर वो बताते हैं कि देखो, कि कौन मुझे प्रिय है, ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से, कि जो आप देखिए, मैं एक बड़ा एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, आपको उत्तराखंड जाना है ना, आप कई मार्ग, मतलब कई जो साधन का उपयोग कर सकते हो, कई प्रकार के चीजें यूज कर सकते हो उत्तराखंड जाने के लिए, रास्ते बहुत हैं। वैसे ही बोले भगवान कि तुम मुझे पा सकते हो, लेकिन उसके मार्ग कई कई सारे मार्ग हैं। एक तो ये है कि या तो तुम मुझे पाना चाहते हो तो आप क्या करो कि अपने कर्मों को मेरे अर्पण कर दो, मेरे पारायण कर दो, और फिर उपासना करो। एक तो ये बात हो गई। अगर आपको लगता है कि ये मार्ग कठिन है, कि नहीं ये हमारे लिए आसान नहीं है, तो आप दूसरा मार्ग अपना सकते हो, दूसरा साधन अपना सकते हो। तो क्या, तो अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो, तो भी मैं आपको पा सक मतलब तुम मुझे पा सकते हो। को भी अगर आप काम मन बुद्धि को अर्पित करके मुझे सौंप दो और कुछ करते हो, तो भी मुझे पा सकते हो। अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है, इससे भी सरल मार्ग मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, अभ्यास योग के द्वारा कोई भी साधन प्राप्त करिए और अभ्यास कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए। नेट GRF को निकालना है तो निरंतर अभ्यास करते रहो, जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं है एक दिन अभ्यास कर लिया सो गया, ऐसा नहीं होता, तो भी मुझे तुम पा सकते हो। दूसरा मार्ग बताया, समझ में आ रहा है ना। फिर लगता है कि अभ्यास योग का मार्ग भी तुमको कठिन लग रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी तुम असमर्थ हो, तो क्या करो कि जो भी काम करो मेरे प्रायण करो। मतलब पहले क्या था कि जो तुम काम कर रहे थे वो तुमने मुझे सौंप किया, लेकिन अब तुम जो करोगे वो मेरे लिए करोगे, कि नहीं ये भगवान का काम है, लंगर लगा रहे हैं, लेकिन ये भगवान का काम हमने कर रहा है, खुद का नहीं। जो समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। एक तो खुद कर रहे थे और हमने समर्पित कर दिया, ये मेरा काम था भगवान, मैं आपको समर्पित कर दिया, अब हम जो कर रहे हैं वो आपका काम है, मैं निमित्त हूं, ये मैं जो कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा नहीं है, मैं भगवान के कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये कर लो। इस तरह से आप कर सकते हो, इस तरह से भी आप मुझे पा सकते हो, लेकिन लगता है कि ये भी कठिन है, इसमें भी आपको बाधा उत्पन्न हो रही है, तो क्या करो, अपने मन इंद्रियों को वश में करके फल की इच्छा त्याग दो। हम कोई काम करते हैं ना, अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम नेट GRF की फल की इच्छा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी त्याग दो, आप फल की इच्छा मत करो, ठीक है, तो काम करो तो भी तुम मुझे पालोगे, फल की इच्छा नहीं करना, समझ गए, फल के बिना। अब इसमें अगले ही श्लोक में 12वां श्लोक बता रहे हैं कि क्यों फल की इच्छा से, फल की इच्छा के बिना तुमको काम करना है, क्यों, कि अभ्यास से श्रेष्ठ जो है शास्त्र ज्ञान बोला गया है, और शास्त्र ज्ञान से श्रेष्ठ बोला है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ बोला है जो भी कर्म की फल की इच्छा रखता है उसको त्याग देना, वो श्रेष्ठ है, तब तुम मुझे पा सकते हो, परम गति को पा सकते हो, इसलिए श्रेष्ठ बोला, ये मार्ग उन्होंने बोला। समझ में आया, रास्ते कई सारे रास्ते खोल दिए भगवान ने, कि इस तरह से तुम मुझे पा सकते हो, ठीक है। पहली बात, दो प्रकार के भक्त बताया, जो सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं और निर्गुण की उपासना करते हैं। सगुण वाले तो मुझे पा ही सकते हैं, प्रिय तो है ही, लेकिन निर्गुण वाले भी पा सकते हैं। निर्गुण के भी 8 लक्षण बता दिए कि देखो ये लक्षण होते हैं भक्त। फिर कहते हैं कि तुम मुझे पा सकते हो, लेकिन और भी कई सारे रास्ते हमने आपके लिए खोल दे रखा हूं, यही दो चीजें नहीं है, तुम जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे समर्पित होकर करो, मन बुद्धि इंद्रियों को एकाग्र कर दो, अभ्यास करो, सब रास्ते उन्होंने बोला, ठीक है, फल की इच्छा त्याग दो।
मेरे लिए काम करो, ये सारे रास्ते उन्होंने दे दिए। अब बताओ ये इसमें से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप क्या आप नहीं बना पाओगे, आप मुझे बताओ। इतने सारे अगर श्लोकों में से पूछा जाए तो आप बता बता नहीं पाओगे, इसलिए बता दोगे। ठीक है, अब कह रहा है देखो, अब यहां से कि करें कि मुझे इस तरह के भक्त पसंद है, कि आप बता रहे हैं कि मुझे कैसे कैसे भक्त मुझे पसंद है, कि वो सम रहता है, मैत्री की भाव रखता है, करुणा की भाव रखता है, अहंकार नहीं रखेगा, सुख दुख में भी बराबर रहता। ठीक है, इस तरह के जो भक्त होते हैं मुझे प्रिय हैं, संतुष्ट रहते हैं, जो प्राप्त है पर्याप्त है, इस तरह के जो भाव रखने वाले होते हैं वो मुझे प्रिय हैं, दृढ़ निश्चय वाले ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, हर्ष में भी द्वेग में भी, ठीक है, मान में अपमान में, सब परिस्थिति में, शुभ अशुभ में भी, हर्षित में द्वेष में, शोक नहीं करता होगा, ठीक है, कामना रहित रहेगा, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। ठीक है, बस इसमें तो मुख्य तो यही बात थी कि कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं, प्रकार क्या थे, और मुझे पाने की इच्छा रखने वाले किस तरह से मुझे पा सकते हैं, कौन कौन मार्ग से अपना पा सकते हैं मुझे। बस 12वां अध्याय तो यही तो कहता है, समझ में आया 12वां, ये बताओ मुझे क्लियर ये सर आ रहा है अभी क्या। सर आ रहा है समझ। आ गया ना ये बात, 12वां अध्याय चैप्टर क्लोज क्लियर। अब आता है 14वां अध्याय, ठीक है, बार बार सुनना सर ने क्या बोला, इसी में से 12वें अध्याय से अगर कोई प्रश्न आता है तो इसी में से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। 14वां अध्याय कह रहा है, 14वां अध्याय का रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा, गुण त्रय विभाग योग। सब अध्यायों के नाम आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले मैं पूछूंगा, ठीक है, कल बीच करके परसों मैं सबसे पूछूंगा, याद रखना 18 अध्यायों के नाम याद रखना। कल हमने क्या पढ़ा, मुझे सिलेबस नहीं खत्म करना, मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना है, चाहे कितना भी टाइम लगे डजेंट मैटर, जब तक नहीं आएगा समझ में मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आता है गुण त्रय विभाग जो 14 अध्याय, सब अध्याय अपने लिए इंडिविजुअल है, किसी से कोरिलेट मत करो आप, भक्ति योग हमने पढ़ाया वो समझ लीजिए। अब आता है गुण त्रय विभाग योग, त्रय मतलब तीन, गुण मतलब जो हमने पढ़ा है राजसिक तामसिक और सात्विक, ये तीन गुण है। अब ये जो सृष्टि की जो रचना हुई ना, ये तीनों गुणों से ही हुई है, जब प्रकृति पुरुष के साथ मिलता है तब जाके महत बुद्धि निकलता है, और फिर वहां से बुद्धि अहंकार और ये गुण निकल के आते हैं, और फिर ये गुण से पंच महाभूत और उसकी तन्मात्राएं और इंद्रियां ये बाहर आती हैं। इस तरह से सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं बताइए, 25 तत्व हैं, पढ़ा है ना। तो यहां से सृष्टि की रचना हुई। आप हर एक इंसान के अंदर राजसिक गुण भी होता है, तामसिक गुण भी होता है और सात्विक गुण भी होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते, और ये सब एक दूसरे के साथ डोमिनेंट करते हैं। अगर सात्विक बहुत तेज हो रहा है तो वो राजसिक और तामसिक को दबाएगा, तामस बढ़ रहा है तो वो सात्विक और राजसिक को दबाएगा, राजसिक बढ़ रहा है तो वो तमस और सात्विक को दबाएगा, इस तरह से। और ये आपके कंट्रोल में है, भगवान कहते हैं इसको आप कर सकते हैं कंट्रोल, ये बड़ा गूढ़ विषय है, और इसको जानकर ऋषि मुनि परम गति को प्राप्त हुए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में। अब ये तीन के बारे में है, अब देखो ये राजसिक तामसिक और सात्विक, इनके गुण क्या क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करता है हमारे शरीर में, बस
इसके बारे में बताते हैं। अगर सात्विक है तो उसके अंदर प्रसन्नता आएगी, सात्विक गुण आएगा, है ना, भक्ति भाव वाला गुण आएगा। राजसिक है तो चंचलता रहेगा, कर्मों के बंधन में बंध, काम 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 रहेगा, उसका मतलब चंचल रहेगा मन, कुछ ना कुछ करते रहेगा, शांत नहीं रहेगा मन उसका। तामसिक है तो वो उसके अंदर प्रमाद रहेगा, आलस्य रहेगा, इस तरह के गुण रहते हैं। इसी की बात तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, है ना। तो ये जो पंच महाभूत जो हमने कल आपको बताया भी था, वो आपको पता होगा, सबसे पहले आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इसकी तन्मात्राएं, इसकी इंद्रियां, है ना। ये आप पढ़े पढ़े भी होंगे किसी अन्य योगी ग्रंथ। अब ये तीनों के बारे में बता रहे हैं, सत, रज और तम के बारे में। ये जो है आपको शरीर को बांधे रखता है, मनुष्य को बांधे रखता है ये तीनों गुण, ठीक है। इससे आप कोई भी बच नहीं सकता, कोई कह दे कि इससे निकल जाए तो नहीं, रहेगा ही रहेगा। हाँ, एक स्टेज आती है, त्रिगुण आती है, तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। भगवान अर्जुन पूछते हैं कि ये फिर अगर तीनों से परे हो जाए तो त्रिगुण, फिर उनके लक्षण के बारे में बात करते हैं भगवान, पहले इस तीन के बारे में बात कर ले, ठीक है। कहता है कि जो तीनों गुण जो है अपने अपने तरीके से काम करता है। जो सतोगुण होता है वो प्रकाश के रूप में रहता है, सतोगुण की प्रधानता होती है उसमें, ठीक है। और जो राजसिक होते हैं वो कर्मों में बंधा हुआ रहता है, कार्य करेगा, वो चंचलता रहेगी उसके अंदर, तृष्णा रहेगा, किसी भी चीज को पाने की अभिलाषा रहेगा वो, ये रजोगुण के हैं। और तमोगुण का वो प्रमाद, आलस्य, वो अज्ञान के वश में रहता है वो, ठीक है। तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा के जाल में जकड़ा हुआ रहता है इंसान, ठीक है। ये हो गया इसके तीनों के बेसिक बेसिक गुण, राजसिक, तामसिक, लेकिन इसका डिटेल भी है, मैं उसके बारे में बात करूं। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, इजी है, और नहीं समझ में ना समझ में ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। इसमें कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं भगवान कि रजोगुण जो है और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। मैं अभी जस्ट बोला उसी के बारे में, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को एक दूसरे पे डोमिनेंट करते हैं ये हमेशा, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है। ऐसा नहीं कि जो सात्विक होंगे तो उसके अंदर तमस नहीं आएगा, कभी आ सकता है, अगर आपने उस तरह की प्रवृत्ति लाए अपने मन में, विचार लाए, तो तमसिक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, ये बदलता रहता है, ठीक है। अब कहते हैं कि रजोगुण के, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं बोल रहा हूं ना इससे प्रश्न आ सकते हैं। क्या बोल रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं रजोगुण के बढ़ने पे क्या होता है, कैसी प्रवृत्ति होगी। क्वेश्चन आ सकता है कि रजोगुण के बढ़ने पे क्या होता है, तो क्या होगा, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, स्प्रिहा, ये वृत्तियां पैदा होती है। इसको समझाने की आवश्यकता है, लोभ क्या होता है, जो दान नहीं करते, दान पुण्य का काम नहीं करते, लोभी रहते हैं वो, खाली पाने की इच्छा रखते हैं लोग, देने की नहीं लेने की इच्छा रखते हैं, उसको लोभी कहते, लोभ रहता है, रजोगुण बढ़ता है। प्रवृत्ति, कामना गलत नहीं है परंतु उसमें लोभ से जुड़े रहने के कारण वो गलत काम करवाता है, किसी, आप समझ लो ना, प्रवृत्तियां होती है कि अन्यायपूर्ण अर्जन करते रहना किसी चीज को पाने की इच्छा, तो ये होगी आपको प्रवृत्ति। असम, जब लोभ बढ़ता है, मन अशांत रहता है, चंचल रहता है, तब ये रजोगुण, ये उसकी प्रवृत्तियां है। ये क्वेश्चन आ सकता है रजोगुण के बढ़ने पे क्या होता है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, वृत्तियां क्या है, कौन सी वृत्तियां पैदा होती है रजोगुण होने पे, याद रखना। स्प्रिया होता है विषयों की वासना, भोगों में चिपका हुआ रहना, क्लियर है। आगे बढ़ू,
आगे बढ़ूं? ठीक है, अब हाँ आता है तामसिक। तमोगुण बढ़ने पे कौन सी वृत्तियां पैदा होती है, क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होगा? अप्रकाश, अंधकार, अज्ञान, और दूसरा क्या है? अब ये पांच पैदा होती है, याद रखना। अप्रवृत्ति, किसी काम को टालते रहना। प्रमाद, व्यर्थ कामों में समय नष्ट करना। मोह, मूढ़ता, मोह मतलब लाभ हानि, हित अहित, ये सब चीजों में समझना आना उसको, मूड। ठीक है, ये वृत्तियां पैदा होती है किससे? तमोगुण के बढ़ने से, याद करना। श्लोक नंबर 13, 12 ये बता रहा है रजस और तमस के बारे में, उसके बढ़ने पे। और 14 और 15 समझिए। 14 बताया कि जब तमो सत्व गुण बढ़ता है तो क्या होगा? तो सत्व गुण बढ़ेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा, सात्विक मन होगा, ठीक है, निर्मल मन होगा। अब कहते हैं कि जब इंसान मृत्यु के समय सत्वगुणी रहता है तो वो अच्छे योनि में जन्म लेता है ना, और जब अच्छे लोक में जन्म लेता है, जब रजोगुणी रहेगा उस टाइम पे, अगर उसकी मृत्यु हो रही होगी तो वो कर्म बंध हो जा, फिर वैसे ही चंचल मन के साथ पैदा होगा आगे। तमोगुण के बढ़ने पे मूढ़ योनियों में जन्म लेता है, अज्ञानता वाले, मूढ़, प्रमाद, आलस्य से घिरा हुआ व्यक्ति रहे। ठीक है, इस तरह से होता है। सत्वगुण पे स्वर्ग लोक की प्राप्ति है ना, रजोगुण में आसक्ति वाले मनुष्य की योनि में जन्म लेना, और तमोगुण में कीट पतंग मूड आदि चीजों में जन्म लेना। कुल मिलाकर ये था सारा। ठीक है, अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा। श्लोक नंबर 22 से लेकर 27, अब कहता है कि जो त्रिगुणातीत हैं, ये तीनों गुणों से परे हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, तो भगवान कह रहे हैं इसमें, श्लोक नंबर 22 से लेकर 27 तक, ये किसके बारे में बात हो रही है? गुणातीत के लक्षणों के बारे में बात हो रहा है, ये याद रख लेना। तो वो कैसा होता है समझ लीजिए, वो विचलित नहीं होता, विपरीत परिस्थितियों में समान भाव रखता है वो। ठीक है, कैसा भी मौसम हो जाए, किसी भी तरह का उसके पास उद्वेग हो मन, वो समान रखता है। अपमान हो या मान हो, किसी भी बात की चिंता नहीं रखता वो। इस तरह से वो गुणातीत के ये लक्षण हैं, विचलित नहीं होता, सम दुख सुख दुख में भी समान रहते हैं वो, विपरीत परिस्थिति में भी समान रहेंगे, ये सब गुणातीत के लक्षण बताए गए। ठीक है, और वो अनन्य भक्ति करते हैं तब जाके वो भी मुझे पा सकते हैं, भगवान के पास। ठीक है, बस यही था 14 अध्याय, और कुछ नहीं था इसमें, सिंपल सा। समझ में आया? अब हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिवाइज हमने करा दी है। समझ में आया? सबको आया समझ में? एक और बता दीजिए मुझे, अब तो कोई शंका दो शंका प्रश्न तो नहीं है? नहीं नहीं सर, सर रिजल्ट आ गया, सर, आगे रिजल्ट आ गया। सर यूजीसी नेट वाला रिजल्ट आ गया सर। अच्छा, चलो बधाई हो। क्या रहा, कोई है यहाँ पे? सर पीएचडी हो गया, सर पीएचडी हो गया सर, सर ज्यादा सर 20 नंबर से क्वालिफाइड रुक फॉर गया था पीएचडी ओनली सर, क्या? 20 नंबर से जारेफ रुक गया अच्छा, नेट निकल गया है सर। जी सर। पीएचडी के लिए क्वालिफाई होना मतलब नेट निकल जाना, यही होता है ना? सॉरी सर, हाँ, यू एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ना उसमें ऐसा लिखा है यू आर एलिजिबल क्वालिफाइड या एलिजिबल फॉर पीएचडी ओनली। ओके, इस बार लगता है पैटर्न चेंज कर दिया है तब। फिर तो हम हाँ क्वालिफाइड लोग फॉर के एनी टाइम में मतलब कैटेगरी में रिजल्ट आ रहा है ना तो, सर, 3 कैटेगरी में रिजल्ट आ रहा है ना सर इस बार। अच्छा 3 कैटेगरीज में दे रहे हैं क्या? अच्छा एक अच्छा सर एक इसीलिए। जीआरएफ, एक नेट और एक पीएचडी। चलिए कोई बात नहीं, बधाई हो। फिर भी एड्रेस भेज दूं क्या मिठाई के लिए?
स्कोर है सौरभ जी और लालजी? चलो कोई बात नहीं है, देखो संतुष्ट, अगली बार फिर से प्रयास करना। 172 172। ओह चलो कांग्रेचुलेशंस, मैसेज कर देना, अभी पढ़ लेते हैं, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, जिनका जिनका हो गया है मुझे मैसेज कर देना। चलिए आज जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, वो है सर्धातरह। जैसे गुणतरह हमने पढ़ा था ना, वैसे ये भी है, तो गुणतरह विभाग योग पढ़ के आइएगा। दो आज हमने पढ़ाया ना, कल मैं पूछूंगा इससे, इसलिए मैंने आज अच्छे से रिवाइज कराया है, कल मैं पूछूंगा, मुझे समझ में आना चाहिए ना कि आपको कितनी समझ में आई है। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा। तो आज जो है 17वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, श्रद्धात्रय विभाग योग। इसमें भी श्रद्धा के तीन चीजें बताई हैं, सेम वैसे ही जैसे गुण में था, सात्विक राजसिक तामसिक। ठीक है, तो इसको अच्छे से इसको भी पढ़ना, यहां से भी बहुत प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ गया क्या? श्रद्धा बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है, ये जो टॉपिक आज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, गुणत्रय हो चाहे ये श्रद्धा त्रय विभाग हो, सोलहवा है ना, इसके बाद हो रहा 17 6 और कितनी का हुआ है नेट चार पीएचडी ये के लिए? हमारे ग्रुप में तो यही लोग है, बाकी दो लोग हैं, बाकी पिछले वाले बैच में होंगे शायद, तो भी अच्छे खासे लोग। सर ये पीएचडी पे 1 ही साल तक मान्य, अब नए नियम एग्जाम पीएचडी 1 साल के लिए मान्य सर, मतलब 1 साल के अंदर आप ले लेते हैं। अच्छा, ये दिया है क्या 1 साल के लिए इसमें कर सकते हैं? नहीं, पहले सर यूजीसी का नियम है सर, अभी जो नया नियम है। अच्छा, इसमें वो फाउंडेशन दे दिया क्या? मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली, 1 साल का दिया फाउंडेशन दे दिया। 1 साल में, 1 साल में पीएचडी ले लेते तो ठीक है सर, तो एक्सपायर कर जाएगा ये फिर? हाँ सर। अच्छा देख लो, मिल जाए अच्छा कॉलेज तो ले लीजिए, नहीं तो फिर जेआरएफ के लिए तैयारी कीजिए। सर आज रिकॉर्डिंग ऑफ करके थोड़ा सा सी का डिस्कशन कर ले क्या? अच्छा वही लास्ट में कर लेंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बस यहाँ से स्टार्ट है हमारा सप्तदशवां अध्याय अर्जुन उवाच, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर डिस्कशन कर लेंगे। चलिए 17वां अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे, ये श्रद्धात्रय विभाग योग, इस अध्याय का नाम है अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषाङ् निष्ठातुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। कहते हैं अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, हे वासुदेव नंदन, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर
श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति पे कैसी है, सात्विक है या राजसी है। मतलब जो देखते हो ना घंटी बजे, मतलब शास्त्र के विधि के द्वारा अगर कोई पूजा कर रहा है, एक वो बात हुई, और बिना सजिन को पता नहीं है कि कैसे हमें पूजा करना चाहिए, बट उसकी पूरी श्रद्धा है पूजा में, पूरी श्रद्धा से डिवोशन से कोई पूजा कर रहा है, हाथ जोड़ के आंख बंद भी कर लिया लेकिन पूरी श्रद्धा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि क्या मंत्र का उच्चारण करे, क्या शास्त्र विधि से करे, तो वो किस कैटेगरी में आएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछे अर्जुन ने। ये हम लोगों की भी कहीं ना कहीं ये इस तरह के प्रश्न हमारे मन में भी चलते रहते हैं, अरे हमें मंत्र का उच्चारण नहीं आता, विधि नहीं आते, कैसे किस विधि से हम पूजा करें, क्या वो पूजा जो है सफल होगा अगर हम, तो उसके बारे में भी बता रहे हैं भगवान से कि वो, और पूछ रहे हैं कि ये सात्विक के अंदर आएगा कि राजसी की या फिर तामसी, तीनों में से कौन से गुणों के अंदर आएगा ये पूजा, सात्विक, राजसिक या तामसिक। समझ गए अर्जुन का प्रश्न। कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में भी यही तरह के प्रश्न आते हैं, हमने हम शंका में रहते हैं भगवान हमसे खुश होंगे कि नहीं होंगे, हमने बड़ा गलत विधि से पूजा कर ली, समझ नहीं आया, तो बताते हैं भगवान। श्री भगवान वाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसो। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी राजसिकी और तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है। कह रहे कि जो शास्त्र से रहित अगर कोई साधक पूजा कर रहा है लेकिन और श्रद्धा भाव से कर रहा है, तो श्रद्धा के भी तीन प्रकार होते हैं अर्जुन। कोई सात्विक प्रवृत्ति के साथ पूजा करता है, कोई राजसी प्रवृत्ति के साथ पूजा करता है, कोई तामसी प्रवृत्ति के साथ पूजा करता है। इसको भी तू जान कि कोई साधक किस प्रवृत्ति के साथ पूजा करता है और उसका फल तो वैसे ही मिलेगा ना, समझे। बड़ा गूढ़ प्रश्न है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि श्रद्धा जो है सात्विकी राजसी तामसी तीनों प्रकार की हो सकती है, और इस अध्याय में मैंने तीनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, समझो इसको। अगर कोई साधक अज्ञेयता, पहला समझिए, जिसको पता नहीं है, ठीक है, कि कैसे करना है हवन, कैसे करना है हवन में कौन सी लकड़ी का प्रयोग करना है, और वो अज्ञानवश पूजा कर लिया तो वो क्षमा है। पंडित जी ने कहा, बताया कि देखो आम की लकड़ी से हवन करना उसको पता है, फिर भी उसने उपेक्षा करी, अरे छोड़ो आम नहीं है तो चलो जाने दो, अपन दूसरे से काम चला लेते, अपने उपेक्षा करी, तो दूसरा कारण होता उपेक्षा। उपेक्षा से अगर कोई कार्य करता है तो वो फलहीन होता है, ठीक है। तीसरा होता है विरोध। पंडित जी ने कहा आम से, अरे पंडित जी कुछ नहीं आता, उसको फालतू है, उसको खुद नहीं आता, हमें क्या बतलाएगा, हमने उसका विरोध किया। अगर उस भाव से अगर कोई हवन या इस तरह से कुछ आदि पूजा करता है तो फिर वो दंड के, उसको फिर पुण्य या पाप कुछ नहीं, वो दंड के भागीदार, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दंड के पात्र बनते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और भगवान कहते हैं कि ये जो श्रद्धा है, थोड़ा डिटेल जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एग्जाम में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आपके माइंड को ब्रॉड करने के लिए मैं ये चीजें ऐड कर रहा हूं, ओके ना, कि मैं टू द पॉइंट सिर्फ स्लो पढ़ा दूं, बढ़ता जाऊं। नहीं सर, ऐसे ही पढ़ाओ जैसा पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत जानना चाहिए। और कहते हैं श्रद्धा के भी तीन स्रोत होते हैं, भगवान से कह रहे हैं, एक तो स्वभावजा, संगजा और शास्त्रजा।
एक होता है श्रद्धा, आपने देखा होगा जो पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं, बहुत लोग देखते हैं बचपन से ही भक्ति भाव में भागवत में रहते हैं, उनके पूर्व जन्म के कर्म है, तो स्वभाव से उनके अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, कहीं से नहीं आ रहा। ये हम सोर्स की बात कर रहे हैं, किसी के अंदर श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। एक तो पूर्व जन्म के कर्मों का फल श्रद्धा उत्पन्न हो गया, एक होता है शास्त्र के। आप प्रहलाद जो थे ना, वो क्या थे, असुर कुल में जन्म लिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके क्या हो गए, वो भगवान नारायण को पा लिए, उन्होंने श्रद्धा रखी उन्होंने, तो ये हो गया शास्त्र का ज्ञान के साथ। असुर कुल में जन्म होते हुए भी उन्होंने श्रद्धा के साथ ईश्वर की प्राप्ति करी, भगवत प्राप्ति करी। तीसरा होता है संगजा, है ना, जैसे करी एक कहावत है ना दोहा, कई सकत ये संगत का, जैसी संगत रहेगी वैसे भक्त श्रद्धा उत्पन्न होगा, तो इसलिए कहते हैं कि अच्छी संगत होना चाहिए, इसलिए कहते हैं सत्संग सुनो, अच्छे लोगों के संग होगा तो भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम जाते हैं, हमने आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता दी है। नेक्स्ट है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धया मयोयम पुरुषो यो यच्छत्रस्य एव सः। हे भारत वंशी अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ठीक है, यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसे ही होता है। हम जिस रूप में खुद को ढालते हैं उस रूप वैसी श्रद्धा हमें हो जाती है। तो जो हमारे अंतःकरण है, जिस रूप के रूप में हमारे अंतःकरण रहता है, वैसे ही मनुष्य उस तरह से बनता है, वैसे ही राजसिक भी बनेगा, वैसे ही तामसिक बन सकता है और सात्विक बनेगा, वो हमारे ऊपर होता है ना, अंतःकरण के अनुरूप जो है ये चीजें होती है। ठीक है, यजन्ते सात्विका देवान्य यच्छरवांसी राजसाः प्रेतान भूतज्ञ प्रेतान भूतज्ञानाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष वाले देवों को पूजते हैं, जो सात्विक पुरुष वाले होते हैं, याद रखना एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सात्विक पुरुष वाले किसको पूजते हैं, ये कूट में क्वेश्चन आ चुका है। सात्विक पुरुष वाले किसको पूजते हैं, देवों को पूजते हैं। राजसी पुरुष वाले किसको पूजते हैं, यक्ष को पूजते हैं, राक्षस पूजते हैं। और तामसिक वाले मनुष्य वो प्रेत भूतगणों को पूजते हैं। ये क्वेश्चन कूट में आया हुआ है, एक बार इसको याद कर लीजिए। सॉरी, अशास्त्र विहित घोरन तप्यन्ते ये तपो जनाः, दम्भा अहंकार संयुक्ता काम काम राग बलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। और इसे बड़ा भारी बात बता दी आपने, थोड़ा इजी कर दो आप थोड़ा इसको, है ना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, सात्विक राजसिक और तामसिक देवताओं की पूजा करना तो एक बात है, परंतु और भी मूढ़ ऐसे लोग हैं जो शास्त्र विधि को त्याग कर कल्पित घोर तप करते हैं। वह मन से संयुक्त होकर कामना आसक्ति से आसक्त होकर पूजा करते हैं, वो वैसे होते हैं। अच्छा, आप मेरा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल से समझो, आपने रावण को देखा ना, वो भी तपस्या करी, वो भी भक्ति करी, ठीक है, शिव को उन्होंने खुश किया, हिरण्यकश्यप को भी आपने देखा उसने तपस्या करी, ब्रह्मा को उन्होंने खुश किया। भाई उन्होंने क्या मांगा ईश्वर से,
अमर हिरण्यकश्यप क्या थे, बोले कि वरदान मांग लिया, अमरत्व का वरदान मांगा उन्होंने, शांति नहीं मांगा कि हमें बहुत अच्छा इंसान शांति ये चीजें उन्होंने। रावण, उन्होंने 10 सिर मांग लिए भगवान से, है ना, उन्होंने भी तो भक्ति करी, लेकिन उसका फल देखो कैसा मिला उनको फल। जैसी कामना हम करते हैं उस तरह से उसका तो भोग तो मिलता ही ना, भोगना तो पड़ता ही है ना। इसीलिए शिवजी को प्रसन्न करके भी रावण क्या हुआ, राक्षसी बना। शास्त्र विधि के द्वारा इच्छा रखने वाला कर्म करता भी है तो भी उसका परिणाम जरूरी नहीं है कि अच्छा भी हो। शास्त्र विधि से ही तो उसने पूजा करी, रावण हो या हिरण्यकश्यप हो, लेकिन क्या मिला उसको, दुखी मिला अंततः। थोड़े से समय के लिए खुशी मिल सकती है कि हमने इसने वरदान मिल लिया, लेकिन उसका जो अंत था वो बड़ा दुखदायी। कत्स्यंत शरीरस्थं भूतक्रामचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। जो शरीर रूप स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले ही जान। अभी जो बताया ना वही बातें थी। शास्त्र विधि से भी पूजा करके जो नहीं जानता है वो भी भगवान को पा सकता है, और शास्त्र विधि से भी भगवान को पाया, लेकिन अंतर देखो। जैसी भक्ति, जैसा प्रवृत्ति, राजसिक तामसिक, उनकी प्रवृत्ति क्या थी, तामसिक प्रवृत्ति की थी, राजसिक प्रवृत्ति थी इसीलिए। और जो सत्वगुणी होते उनको क्या मिलता, भगवत प्राप्ति मिलता, ठीक है, शांति की प्राप्ति, शांति मिलता है। अब कह रहा है भगवान जी, क्या कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है, ये स्वभाव तो ठीक है, ये चीज अब आहार में भी होता है। आहारास्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रुणु। अब भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आहार को भी उन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। आहार भी 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के उन्होंने बताया, राजसिक, तामसिक और सात्विक। यज्ञ, तप और दान, ये तीनों भी आहार की भांति, ये तीनों को राजसिक, तामसिक और सात्विक में बांटा है। एक एक करके हम समझेंगे, आई थिंक एक एक करके हम लोग कल समझे या थोड़ा और पढ़ लें। उतना हो गया, श्लोक नंबर 6-7 हो गया ना, 10 कर लेते हैं, 10 फिर आगे पढ़ लेंगे बाकी के। आयुषत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक अप्रिया। अब बता रहा है कि सात्विक जो आहार है वो कैसा रहेगा, जो आयु को बढ़ाता है, सत्वगुण रहेगा, बल को देगा, आरोग्य लाएगा शरीर में, सुख को देने वाला है, और रस कैसा, स्निग्ध स्थिर, और हृदय मतलब आप अपने को भी प्रसन्न, खुद को अच्छा लगने वाला, ये सारे ही सात्विक भोजन, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। सात्विक आहार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जो आयु बढ़ाए, सत्वगुणी को बढ़ाए, बल बढ़ाए, सुख, ये सारे चीज जो है प्रसन्नता को बढ़ाए, स्थिर होने वाला हो, हृदय को शक्ति देने वाला हो, ये सारे ही सात्विक भोजन के गुण है, सात्विक आहार है। अब आता है राजसिक आहार कैसा होगा। कट्व अम्ल लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस्य आहार राज सस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। अब ये दुख देने वाले हैं राजसिक, कौन कौन से, कट्व अम्ल लवण तीक्ष्ण रुक्ष, ये सारे क्या है, राजसिक भोजन है, ये याद रखिएगा। कौन कौन से आ गया राजसिक भोजन, कड़वा, खट्टा, लवण युक्त, गर्म, उष्ण, तीखा, रूखा, दह कारक,
दुख और चिंता एवं रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजसिक पुरुष को प्रिय होते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये राजसिक आहार के अंतर्गत आ गया। अब आता है तामसिक आहार में, तो यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चयत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं, कि जो अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, उच्छिष्ट हो तथा जो अपवित्र हो, वह भोजन तामसिक प्रवृत्ति वाले पुरुष को प्रिय होता है। ये तीन गुण हमने समझ लिया, ठीक है। अफलांकांक्षिभिर्यज्यो विधि दृष्टो स इच्यते यष्टव्यमेवेति मनस मनस समाधाय सत्तात्विक। अब यहां से यज्ञ के बारे में भी बता रहे हैं कि यज्ञ भी तीन प्रकार के होते हैं, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। यज्ञ के बारे में हम कल पढ़ेंगे, यहाँ तक आहार तक हमने पढ़ लिया, 10 श्लोक तक 11 से कल पढ़ेंगे, कल हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ के आना है। इसमें कोई समस्या है 10 में तो आप बताइए। सर 17वां अध्याय है ना, 17 गुण त्रय विभाग, श्रद्धात्रय विभाग, यहाँ पे भी सात्विक राजसिक और तामसिक के बारे में बताया। श्रद्धा भी तीन प्रकार के, तप भी तीन, और श्रद्धा तप और दान दान भी तीन, ठीक है। यज्ञ भी तीन, तीन यज्ञ के बारे में भी तीन, ये सब पढ़ना है। आहार के बारे में भी तीन, कौन सा रहा? यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, तीनों का गुण बता दीजिए, कौन सा किसके अंतर्गत आता है, क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। सर दान कैसे देते हैं लोग, जैसे सात्विक रास्ती को, तामसिक को?